फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इन द वेक ऑफ क्या है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है कि मद्देनजर या को देखते हुए। जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ये सेंटेंस अक्सर सुनते होंगे, खराब बॉलिंग को देखते हुए हमें एक स्पिनर को मौका देना चाहिए। तो इस सेंटेंस में मैंने कहा देखते हुए। कई बार इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, खराब बॉलिंग के मद्देनजर हमें एक स्पिनर को मौका देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी शुड चांस अ स्पिन बॉलर इन द वेक ऑफ पुअर बॉलिंग, यानी खराब गेंदबाजी को देखते हुए या खराब गेंदबाजी के मद्देनजर हमें एक स्पिन बॉलर को मौका देना चाहिए। अगर आपको कहना हो कि खराब बैटिंग को देखते हुए कोच ने एक फैसला लिया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द कोच टुक अ डिसीजन इन द वेक ऑफ पुअर बैटिंग, यानी खराब बैटिंग को देखते हुए या खराब बैटिंग के मद्देनजर कोच ने एक फैसला लिया। अगर आपको कहना हो कि हालात को देखते हुए हम सभी को एक हो जाना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑल शुड बी यूनाइटेड इन द वेक ऑफ सिचुएशन, यानी हालात को देखते हुए हम सभी को एक हो जाना चाहिए। अगर आपको कहना हो कि नाजुक हालात को देखते हुए पुलिस को वहाँ भेज दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस वर सेंट देयर इन द वेक ऑफ टेंस एटमॉस्फेयर, यानी नाजुक हालात को देखते हुए पुलिस को वहाँ भेज दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इन द वेक ऑफ का मतलब समझ में आया कि इन द वेक ऑफ का मतलब होता है कि मद्देनजर या को देखते हुए। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।